आपका स्वागत है Q&A सेशन, आपका सवाल मेरा जवाब। जैसे देख ही के मालूम चल रहा होगा क्या कि आज हम लोग बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। बिना देरी के आज की हर क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल लर्न एड्डा। पिछले क्लास तक हम लोगों ने सारे थ्योरी पार्ट पढ़ ली थी रियल नंबर्स की। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन के साथ, जो कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रैशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा रिविजन भी हो जाए और इसी बहाने कुछ हम लोग नहीं सीख पाए होंगे तो वो भी सीख जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 0.75 एंड 1.2, मतलब थ्री रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों, किसके बीच? 0.75 एंड 1.2 के बीच। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते थे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था? पहले हम लोग क्या करते थे, कंपेयर करते थे दो रैशनल नंबर्स को। तो दो रैशनल नंबर्स क्या दिए हुए हैं, 0.75 एंड 1.2। इसमें से देखेंगे कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो ऑब्वियसली आपको देख के क्या पता चल रहा होगा कि 0.75 क्या है, छोटा है 1.2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो छोटा होता था उसी को हम लोग क्या मान लेते थे, x मान लेते थे, और जो बड़ा होता था उसको हम लोग क्या मान देते, y मान लेते थे। सिंपल था। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना होता था, d की वैल्यू निकालनी होती थी। तो d के इक्वल क्या होना चाहिए था, d के इक्वल को क्या होता था, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। एन यहाँ पर क्या होती थी कि हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, एन यहाँ पर क्या ले लेना है, थ्री ले लेना है, क्योंकि हमने थ्री रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करनी है हमें, राइट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1.2 को से हम लोग क्या घटाने वाले हैं, 0.75, क्योंकि वाई क्या है यहाँ पर, हमारा फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो वाई की जगह क्या है, 1.20। ठीक है, 1.2 को ही लिख सकते हैं 1.20, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या है, 0.75 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ये दोनों को माइनस करना है, नीचे हम लोगों को क्या लेना है, 3 प्लस 1। क्यों 3 क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये क्या है, n की वैल्यू है। ठीक है, तो 3 प्लस 1 हमारी ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब 1.20 से हम लोग 0.75 माइनस करें तो हमें कितना ऑब्टेन होगा, 0.45/4। ठीक है, इतना तो समझ में आया। ठीक है, अब डी के बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डी के बाद हम लोग को थ्री रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 0.75 एंड 1.2 फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो x की वैल्यू क्या है, 0.75, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ये जो डी की वैल्यू है यही हम लोग एड करते चलते हैं। वो कैसे एड करते हैं, अब हम लोग देख लेते। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, 0.75 प्लस हम लोगों ने 0.45/4 ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 0.75 को तो एज इट इज रख दिया, प्लस 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दी, क्या को, d को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब 2 × 0.45/4, ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर हो। थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए उसी तरह हम लोग क्या कर देंगे, 0.45/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब d को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और उसमें हम लोग 0.75 क्या है, x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इसी टाइप का है। तो एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ, -3/4 एंड -2/5। तो इसको भी हम लोग पहले कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे क्या हमें पता चलेगा, -3/4 और -2/5 को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ आप देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -3 और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या ऑप्टेंड होना है, -15 ऑप्टेंड होना है, और 4 और -2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऑप्टेंड होगा, -8 ऑप्टेंड होगा। और यहाँ पर आप देखो, -15 और -8 में कौन बड़ा होगा, -8 ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, -3/4 क्या है, छोटी है -2/5 से। तो यहाँ पर हम लोग एक वाई की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, -2/5, और x की वैल्यू क्या लेने वाले, -3/4। ठीक है, अब हम लोग लेट मान लेंगे कि d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना है, y − x/n+1 करनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने -2/5 − -3/4/3+1 लिखा। 3+1 क्यों लिखा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने, तो 3+1 हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पर -2/5 + 3/4 हो गया, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
बाई फोर हो गया, तो अब हम लोग फाइव और फोर का एलसीएम ले तो क्या होगा, 20 फाइंड आउट होगा। उसके बाद हम लोग फाइव से फोर 20 को डिवाइड देंगे तो फोर टाइम्स में, फोर से टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट। उसी तरह फोर से हम लोग 20 में डिवाइड देते हैं तो फाइव टाइम्स, और फाइव से थ्री में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15। ठीक है, तो माइनस एट और 15 यहां पर होगा तो क्या हो जाएगा, 7/80 हो जाएगा। 7/80 क्या होगा, 20 और 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई, तो यहां पर क्या है, यहां पर 7 है और यहां पर 7/20 होता और डिवाइडेड बाई यहां पर 4 होता, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते थे, इसको बच्चों हम लोग किस तरह से लिख सकते थे, 7/20 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 लिख सकते थे, सिंपल था। ठीक है, तो कुछ इसी तरह हम लोग का 7/80 ऑब्टेंड हो गया। ठीक, अब 7/80 क्या है, हमारा डी ऑब्टेंड हो गया, तो सिंपल है। अब हम लोग एक्स में क्या ऐड कर देंगे, 7/80। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है तो क्या कर देंगे, 7/80 में 2 मल्टीप्लाई करने वाले हैं। उसी तरह हम लोग को थर्ड ऑब्टेंड करना है तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किसको, 7/80 को। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन -3/4 एंड -2/5 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल था। चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स के बेस पे टाइप सेकंड हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो फर्स्ट उसका क्या दिया हुआ बच्चों, कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, एक्चुअल डिवीजन के बिना हम लोग को क्या करना है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब ये बताना है हमें क्या, कि बिना डिवाइड किए हुए कौन सा डेसिमल्स क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, मतलब कौन सा रैशनल नंबर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाने वाला है। टर्मिनेट हो जाने वाला मतलब डेसिमल्स के बाद उसका एंडिंग होने वाला है, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि उसके क्राइटेरिया क्या था। जैसे यहाँ पर 13/80 दिया हुआ बच्चों, तो हम लोग को पता कैसे लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये पर ध्यान नहीं दीजिएगा इस पे कि अभी टर्मिनेटिंग लिख दिए हैं सर तो टर्मिनेटिंग ही हो, पहले देख लेना है इस टाइप का सवाल को, पहले देख लेना है कैसे होता है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किसका कर लेंगे, इसका डिनोमिनेटर का, तो 80 का क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से पता क्या चलेगा, आखिर हम लोग करते क्या हो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग को पता लगाना होता है कि इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो प्राइम फैक्टर्स यदि 2 और 5 रहे सिर्फ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो 80 में आइए देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, तो 2 से हम लोगों ने 80 को डिवाइड दिया तो क्या होगा, 40, ठीक है। उसी तरह 2 से 40 को डिवाइड दिया तो 20, फिर से 2 से 20 को डिवाइड दिया तो 10, 2 से फिर 10 को डिवाइड दिया तो हम लोगों को क्या ऑप्टेंड हुआ, 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चे कि 2 2 2 हर जगह आपको दिख रहा हो और लास्ट में क्या दिख रहा है, 5, मतलब 2 और 5 ही क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, टर्मिनेटिंग लिखा, ठीक है। तो 13/80 क्या है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल से मतलब ये इंड हो जाएगा, बिना डिवाइड करे ही हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। उस तरह से अब हम लोग क्या देखते हैं, 7/24 नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, तो ये क्या टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, तो सेम हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, किसका, 24 डिनोमिनेटर का ही। 24 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से हम लोग 24 को डिवाइड देंगे तो 12 से फिर हम लोग 12 को डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 6, 2 से 6 को डिवाइड देंगे तो 3 ऑप्टेंड हो रहा है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे 2 2 2 ऑप्टेंड हो रहा है, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, 3 ऑप्टेंड हो रहा है, तो 3 नहीं होना चाहिए बच्चों। 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं होने चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक्सप्रेस 3.14 बार एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये रेकरिंग टाइप क्वेश्चन है, क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3.14 में 1/4 के ऊपर क्या दिया हुआ, बार दिया हुआ, ठीक है। वो बार दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, डेसिमल्स के बाद। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको हमको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में दिखाना है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है फ्रैक्शन की, उसमें हमें इसे फाइंड आउट करनी। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 3.14 बार, मतलब एक्स को क्या हम लोग कंसिडर करने वाले, 3.14 बार। तो इसको हम लोग x को और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो x को हम लोग 3.14 14 14, मतलब ये डेफिनेटली नॉन एंडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग को क्या करना है, 100x हम लोगों को क्यों करना है, क्योंकि यहाँ बच्चों क्या है, 2 है पॉइंट के बाद डिजिट, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, 100x लिया, ठीक है। यदि 1 रहता
वन कोई डिजिट रहता उसपे बार होता तो हम लोग क्या लेने वाले थे, 10x लेने वाले। यदि थ्री रहता, कोई थ्री डिजिट रहता पॉइंट के बाद उसपे बार होता तो हम लोग क्या लेने वाले थे, 1000 लेने वाले थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो डिजिट होने के कारण क्या ले लिया, 100x ले लिया। अब 100 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 314.141414 तो रिपीट ही होते चल जाएगा, ये तो नॉन एंडिंग है, तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, ऑन सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट को क्या सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, सेकंड से, तो सेकंड से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 100 से माइनस x हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करने वाले हैं, 3.14.141414 होने वाला है, नॉन एंडिंग तक है, और माइनस 3.141414 ये होने वाला है, तो ये हम लोग करते हैं, तो 100 से हम लोग 100x से x माइनस करें तो क्या होगा, हमें हमारा 99x हो जाएगा, इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, 314 से हम लोग को 3 ही माइनस करना रहेगा, क्योंकि इधर तो 1414 ये सब तो कॉमन है, तो ये सब ऑब्वियसली होगा कि कट होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा लास्टली 311 आंसर आने वाला है। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हम लोग इधर से 99 को डिनोमिनेटर में ले जाए तो 311 बाई क्या हो जाए नहीं वाली है, 99 होने वाली है, तो x हमारी 3.14 बार की आंसर कितने ऑप्टेंड हो गया, हमारा 311 बाई 99, यही हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इस टाइप में क्या देखा, हम लोगों ने इस टाइप में क्या देखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन सा होगा बिना डिवीजन के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों को कोई एक रेकरिंग नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। राइट, तो आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं टाइप थ्री क्वेश्चन। टाइप थ्री क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन इरेशनल्स एंड द लॉ ऑफ रेडिकल्स इसमें हमें देखना है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इरेशनल से रिलेटेड होने वाला है, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर एक्स सच दैट एक्स टू द पावर 2 इज एन इरेशनल नंबर एंड एक्स टू द पावर 4 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है एक्स की जगह, कि जैसे कि एक्स की स्क्वायर हम लोग 2 रखे, मतलब एक्स की पावर हम लोग यदि 2 रखे तो क्या हो जाए, वो इरेशनल वैल्यू हो जाए, और एक्स की पावर यदि हम लोग 4 दे तो वो क्या हो जाए, एक रैशनल वैल्यू फाउंड हो जाए। राइट, तो हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो सॉल्यूशन में देखिए, तो एक्स की यदि हम लोग वैल्यू मान ले 5 की पावर 1/4, ठीक है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स की पावर 5 की पावर 1/4 माने, तो एक्स की स्क्वायर यदि हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर 1/4 की स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 और 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से हम लोग 4 को कैंसिल आउट करें तो क्या होगा, 2 बार में हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5 की पावर 1/2 क्या हो जाएगी, एक इरेशनल वैल्यू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, सिंपल था। ठीक है, अब हम लोग एक्सेस स्क्वायर करें, एक्सेस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर हो जाएगी, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू की स्क्वायर हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 1/2 की स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को क्या होगा, 2 से 2 को कैंसिल आउट करने पे क्या हो जाएगा, 1 बार में ये कैंसिल आउट होने वाला है, तो 5 की 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 5 क्या है, एक रैशनल वैल्यू ऑब्टेंड हुआ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक्स की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, इरेशनल, और एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आ रही है, एक रैशनल वैल्यू। तो हमें क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ था, एक्स की स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, इरेशनल, और एक्स की 4th की पावर क्या हम लोग को फाइंड आउट करनी थी, रैशनल नंबर, तो हम लोग को वो मिल चुका है। तो ये 5 की जगह आप किसी और भी डिजिट को ले सकते हो, जैसे कि कोई भी आप प्राइम नंबर को ले सकते हो, उसकी जगह 5 की जगह आप ले लो 3 ले लो, आप 11 ले लो, ठीक है आप 7 ले लो, तो इसकी जगह आप कुछ भी लो, लेकिन यहाँ पर आप क्या करना, 1/4 रखना, वो आप एक्स की वैल्यू ले लेना। ठीक है, तो उस समय हमेशा क्या होगा, आपकी एक्स की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इरेशनल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि कोई भी प्राइम फैक्टर जो होगा, कोई भी प्राइम नंबर जो होगा, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इरेशनल ही होगा, और यदि उस प्राइम नंबर को देखें तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, एक रैशनल वैल्यू है, तो वो रैशनल वैल्यू आपको इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी आप प्राइम नंबर लेके। ठीक है, ये 5 की जगह आप कोई भी दूसरे भी प्राइम नंबर आप ले सकते हैं आपकी मन के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है बच्चों, एक लॉ ऑफ रेडिकल्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 to the power 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6 to the power 3/5। यहां पर आप क्या देख रहे हो बच्चों, 6 और 6 यहां पर दोनों जगह क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन इसकी पावर्स क्या है, चेंज है। तो हम लोग बेस को क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं, मतलब हम लोगों ने लॉ ऑफ रेडिकल्स के रूल पढ़ रखे हैं। क्या होगा, यदि बेस कॉमन हो और उसके क्या हो, पावर्स अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन पहले लिख दिया, उसके बाद 6 को हम लोगों ने क्या लिया, बेस एज इट इज रख लिया, उसके बाद 2/5 और 3/5 को ऐड कर दिया। तो 2/5 और 3/5 को ऐड करने पर कितना ऑप्टेन होगा, 5/5, ठीक है। 6/6 की पावर 5/5 मतलब 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, तो 1, और लास्टली क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, 6 ऑप्टेन होना है, सिंपल था। सेकेंड हमारा क्या एक क्वेश्चन है, 2 की पावर 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5/8। यहां पर आप देखो कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, सेम, ठीक है, लेकिन इसका बेस 2 और 3 क्या है, डिफरेंट है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेस का मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, ओवर उसका क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट जो सेम था वही हम लोग पुट कर देंगे। ऐसा भी रूल था लॉ ऑफ रेडिकल्स में, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 की पावर 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5/8 को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर इसका इक्वल क्या होगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी, ठीक है। 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो एट लास्ट क्या होगा, 6 और 6 की पावर क्या हो जाएगी, 5/8, ठीक है। तो ये हमारे एक सवाल थे टाइप 3 के, क्या सवाल थे, एक इरेशनल के बेसिस पे था और ये दूसरा क्या है, लॉ ऑफ रेडिकल्स के बेसिस पे, राइट। तो आइए बच्चों लास्ट टाइप हमारा टाइप 4 हम लोग देख लेते हैं, जो कि काफी ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन, बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन है बच्चों। तो रैशनलाइजेशन के बेस्ड पे क्या क्वेश्चन है एक बच्चों, कि सो दैट 1/3 - √8 - 1/√8 - √7 + 1/√7 - √6 - 1/√6 - √5 + 1/√5 - 2 इक्वल टू क्या शो करना है, 5 आना चाहिए, ये शो करना है, ठीक है। तो हम लोग इस के सवाल को कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 1/3 - √8 क्या दिख रहा है आपको, एक इरेशनल नंबर दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज पहले करते हैं, ठीक है। रेशनलाइज कैसे हम लोग करते हैं बच्चों, यहां पर 3 - √8 है, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो लास्ट में हमें क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर रेशनल आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऊपर नीचे दोनों ही को क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही को हम लोग सेम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर जो होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या देखना होता है, हमेशा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को आपको हमेशा a² - b² के फॉर्म में हमेशा ट्राई कीजिएगा कि लाने का। तो हम लोग 3 - √8 को कैसे ला सकते हैं a² - b² के फॉर्म में, तो यहाँ पर 3 - √8 है, तो 3 + हम लोग √8 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² के फॉर्म में हम लोग ला देंगे, ठीक है। तो वहां पर 3 + √8 हम लोगों ने लिया, तो ऊपर नीचे दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 + √8 डिवाइडेड बाय 3² - √8 की स्क्वायर हो जाएगी, a² - b² की वैल्यू की जगह क्या हो जाएगी, a की जगह क्या है 3 है और b की जगह क्या है √8 है, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। अब 3 + √8 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो 3 + √8 ही आना है, ठीक है। उसके बाद 3² - √8 मतलब क्या है, 9 यहाँ ऑप्टेंड होगा, यहाँ पर क्या होगा, 8 ऑप्टेंड होगा। अब हम लोगों को क्या होगा, 9 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, तो नीचे 1 लिखने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट क्या लिखा, 3 + √8 लिख दिया, सिंपल था। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखे 1/√8 - √7 है, तो ये भी क्या है कि रैशनल वैल्यू, तो इसको भी हम लोग a² - b² के फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर वाले को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस कन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे, √8 + √7 हम लोगों ने लिया रैशनलाइजिंग फैक्टर, ऊपर नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो एट लास्ट हमारा क्या आता है, उसी तरह √8 + √7 आता है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√7 - 6 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि √7 + √6 हो जाएगा। 1/√6 - √5 जो दिया हुआ उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √6 + √5 हो जाना है, और 1/√5 - 2 का वैल्यू क्या हो जाना है, √5 + √2 हो जाना है। इसका भी एक ट्रिक है बच्चों, देखो आप 1 ऊपर यदि दिया रहा है, 3 - √8 है, तो उसका यदि हम लोग
रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, यही क्या है, बीच वाला साइन हट के बीच वाला साइन क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, मतलब प्लस का माइनस का प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या आया, प्लस आया, और बाकी दोनों क्या रह गया, सेम रह गया। उसी तरह क्या है, इसका भी क्या हुआ, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, सिमिलरली यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाना, ठीक है। ये कब होगा, जब ऊपर वन रहे तब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यही हमारा क्वेश्चन था तो ये हम लोगों ने उतार दिया, ठीक है। इसके इक्वल टू क्या होगा, 1/3 - √5 का हमारा कितना वैल्यू आया था, 3 + √8, तो हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद इसकी वैल्यू जो आई थी √8 + √7, तो हम लोगों ने यहां से लिख दिया, ठीक है। उसी तरह 1 + का साइन दिया हम लोगों ने, 1/√7 - √6 का क्या वैल्यू आया था, √7 + √6, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर बीच में क्या है, माइनस का साइन है, राइट, तो हम लोगों ने भी क्या दिया है, हम लोगों ने भी क्या दिया है, माइनस का साइन दिया है, तो माइनस का साइन दिया। उसके बाद √6 - 6 की वैल्यू क्या हो जा रही है हमारी, ये आ जा रही √6 + √5 आ जा रही, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/√5 - 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 + √2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, √8 और √8 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, यहाँ एक प्लस है, ये हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, और ये नेगेटिव √7 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव √7 है तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरह √6 और √6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर √5 और √5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एट लास्ट हमारा क्या बचेगा, 3 और 2, जो कि क्या हो जाएगा, एड करने पर हमें क्या आ जा रहा है, 5 आ जाएगा। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वल इसका हो जाएगा, मतलब ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ, राइट। तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं रैशनलाइजेशन में, जो कि काफी देखने में तो बड़े लगते हैं, लेकिन काफी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, 4 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। फर्स्ट हमारा क्या था, रैशनल नंबर के बेसिस पे था। सेकंड क्या था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रेकरिंग के बेसिस पे था। और थर्ड टाइप का सवाल क्या था, हम लोग को लॉ ऑफ रेडिकल्स और इरेशनल्स के बेसिस पे थे। और लास्ट हमारा क्या था, जो कि रैशनलाइजेशन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसके बेसिस पे था, राइट। तो आज का सेशन यही हमारा समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग क्या देख लेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, जो कि आपके लिए काफी ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।